हेलो फ्रेंड्स, आज हम बचे हुए कपड़े के पीस में से डोरमेट बनाएंगे। आप पुरानी कुर्ती, पुरानी सलवार भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए इसको बनाना बहुत ईजी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने स्ट्रिप कट करनी है, निशान लगाएंगे। ऐसे ही एक निशान मैं यहाँ पर और लगा रही हूँ। अब इसे हमें यहाँ से कट कर लूँगी। इसे हम फोल्ड करेंगे, फिर इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। ऐसे आपको बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी को इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। आप कपड़े को ये देखिए, यहाँ पर हमने इसकी विड्थ 2 इंच ली है। आप कपड़े को फोल्ड कर भी इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं फोल्ड कर। ये देखिए, ये भी आसानी से कट हो जाते हैं। ये देखिए, सभी को हमने कट कर लिया है। अब देखिए, इस पर आपने जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगाने के लिए राइट पर राइट रखेंगे और यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे, सीधा करेंगे। ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको स्टिच कर दिखाती हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपने ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पर इस सेंटर का निशान आ जाएगा। ये देखिए, अब इस निशान पर से इसे हम स्टिच करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्ट्रिप को भी स्टिच करेंगे। राइट पर राइट रखेंगे, सेंटर निकालेंगे इसका। ये देखिए, प्लेन कपड़े पर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आप इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर निशान आ जाता हमारा। ये देखिए, इस तरीके से। और अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। सभी को आपने इसी तरीके से स्टिच करना है। अब देखिए, स्टिच करने के बाद आपने सिलाई को छोड़ते हुए थोड़ा सा और आपने इसे कट करना है। इसे सीधा करेंगे, सभी स्ट्रिप हमारी इसी तरीके से जॉइंट हो जाएंगी। ये देखिए, इसे जॉइंट कर इसे हम रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे हमने जॉइंट कर लिया है। आप इसे ये देखिए फोल्ड करेंगे स्ट्रिप को। एक फोल्ड और करेंगे, एक फोल्ड हम और करेंगे और इसे हम ये देखिए, अब इसे हम यहाँ से स्टिच करेंगे, सीधा स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम सभी स्ट्रिप को बना लेंगे। जैसे हम नाड़ा पट्टी बनाते हैं, सेम ऐसा ही इसे हमने स्टिच कर लेना है। कोई भी कलर लगा सकते हैं आप इसमें, कोई भी कपड़ा इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, सभी को बनाकर हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 कलर को जॉइंट किया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से भी आप जॉइंट कर सकते हैं। अगर कम कपड़ा हो तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर 3.5 इंच मैं यहाँ पर लूँगी डिज़ाइन को बनाने के लिए। इसे हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 2 इंच से थोड़ा सा कम आया है। यहाँ पर पौने दो इंच पर हम जहाँ पर हमारी निडल होती है, इसके यहाँ पर इसे हम एडजस्ट करेंगे और एक टेप लेंगे। 3.5 इंच जहाँ पर है वहाँ पर हम इस पर इस तरीके से टेप लगा देंगे। फिर ऐसे ही हम एडजस्ट करेंगे इसको और उस कॉर्नर पर भी हम यहाँ पर टेप लगाकर इसे एडजस्ट कर लेंगे। दोनों साइड हमने टेप लगा ली है। हमारा सेंटर का जो निशान है वो हमारा 3.5 इंच का निशान रहेगा। अब यहाँ पर हम स्ट्रिप को लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर लिया हमने 3.5 इंच। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, हल्का सा स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे इसको। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ही यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने फोल्ड करना है इसको। ये देखिए, और अब इसे हम स्टिच करेंगे। हल्का सा स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप रखना है और इसे स्टिच करना है। ये देखिए, अगर आप स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप नहीं रखेंगे
तो ये सही से नहीं सिलेगा, जिसमें गैप आ जाएगा इसमें थोड़ा सा गैप नहीं आना चाहिए। तो इसमें यहाँ पर आपने हल्का सा स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। गैप हमारा सेम इतना ही रहेगा 3.5 इंच। टेप लगाने से आप इसे आसानी से फोल्ड कर सकेंगे और इसे सेंटर से सिल लेंगे। सभी को हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये स्टिच कर लिया, यहाँ पर हमने टू कलर लगाए हैं। आप सिंगल कलर, टू कलर, थ्री कलर भी आप इसमें लगा सकते हैं, मल्टी कलर भी आप इसमें लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इन सभी को हमने रेडी कर लिया। अब हम यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फोल्ड वाला साइड है और यहाँ पर भी ये फोल्ड वाला है। ये देखिए अब ये हम एक दूसरे के अंदर स्ट्रिप को इस तरीके से करेंगे। ये देखिए ये ऐसे। अब देखिए ये वाली स्ट्रिप लेंगे और इसके बीच में से हमने स्ट्रिप को इसके अंदर करना है। ये देखिए ऐसे। अब पिंक वाली स्ट्रिप लेंगे और इसके अंदर करेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इधर से लेंगे, लेफ्ट से स्ट्रिप को अंदर करेंगे, फिर राइट से लेंगे। स्ट्रिप का ध्यान रखना, कोई स्ट्रिप आपकी इसमें रह ना जाए। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए पर एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर जूम कर कर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे करेंगे, फिर इसको खोलेंगे और इसके बीच में से निकालेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ही इसको खोलेंगे। इसकी विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है। 3.5 इंच ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सही से बनेगा, नहीं तो इसके अंदर गैप ज़्यादा आ जाएगा। ये देखिए एक दूसरे के अंदर आपने इस तरीके से स्ट्रिप को ऐसे एडजस्ट करना है। इसमें आपको सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन लगेगा। सभी को जॉइंट कर कर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से लगेगा। दोनों साइड से आपको ये एक जैसा ही दिखाई देगा। ये देखिए इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी बनेगी। इन सभी को हमने इसी तरीके से जॉइंट कर कर एक दूसरे के साथ इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से खींच लेंगे, जो भी स्ट्रिप हमारी लूज़ या टाइट होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए दोनों साइड से एक जैसा दिखाई देगा आपको। अब देखिए यहाँ से हमने इसको यहाँ पर कट करना है। ये देखिए ये कट करना है। अगर आप इसे कट नहीं करेंगे तो इसमें पैर फंस सकता है, इसलिए हमने इसे यहाँ से कट करना है। ये देखिए ऐसे ही 3-4 स्ट्रिप आप ले लेंगे एक साथ में और इन्हें सभी को कट कर लेंगे। ये देखिए कट कर कर इसी तरीके से आप इसको रेडी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसे फिनिश कैसे करना है हमने। ये देखिए जो भी हमारी साइड में एक्स्ट्रा स्ट्रिप बचेंगी उसे आपने एक दूसरे के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए ऐसे इसे फोल्ड करेंगे, या तो आप मशीन से या फिर आप इसे सुई धागे से हाथ से आप इसे स्टिच कर सकते हैं। एक स्ट्रिप को अंदर करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको फिनिशिंग देने के लिए। किसी में भी आप स्ट्रिप को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम 1-2-3 कच्चे कर लेंगे इसके अंदर। कच्चा करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से ये देखिए नॉट लगा लेंगे। ऐसा ही हमने यहाँ किया, सेम ऐसा ही दूसरी साइड भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रिप एक दूसरे के अंदर इसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। ये देखिए कट करने के बाद ये हमारी स्ट्रिप एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। इसे हम सिल लेंगे। ये देखिए यहाँ से इसे हमने खोल लिया है और एक दूसरे के अंदर यहाँ पर हम ये देखिए अब ये स्ट्रिप हमारी ये इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एक कच्चा कर सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड कर कर भी आप इस तरीके से मतलब ये एकदम से एडजस्ट हो जाएगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा ये एडजस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स।
इसलिए इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। ऐसा ही सेम दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए इसको भी, ये देखिए ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। सेम ऐसा ही हम दूसरी साइड करेंगे और इसे फिनिशिंग देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है। दोनों साइड आपको एक जैसा ही डिज़ाइन दिखाई देगा। ये देखिए देखने में सुंदर लग रहा है, बनाने में भी इजी है। इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं ऐसे ही आप स्ट्रिप बनाएंगे और इसी तरीके से आप इसको बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं। इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। और ये देखिए देखने में इसका डिज़ाइन, ये देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसका गैप आप लेंगे 3.5 इंच, तो उससे ये अच्छी तरीके से बनेगा फ्रेंड्स। इसके अंदर गैप नहीं आएगा, पैर भी नहीं फंसेगा। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।